Assalamualaikum, this is Amir Hanif. Hope आप सब खैरियत होंगे. Today's topic is how to create your UK Amazon seller account. आप अपना जो Amazon का seller account है UK की market के लिए वो कैसे create कर सकते हैं. तो महमूद अहमद हमारे सब्सक्राइबर, हमारे YouTube फैमिली मेंबर हैं, तो उन्होंने हमारे साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. प्लीज एंड तक जरूर देखें कि आपको अच्छे से समझ आ सके. और ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग जाने वाली नहीं है, क्योंकि हम पूरा प्रोसेस करने वाले नहीं है. हम सिर्फ स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, और उसी में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जरूरत है यहाँ पे VPS एंड VPN को परचेज करने की या उसको लेने की. उसके बाद फिर आप अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम अब आ रही है पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि आपको वेरिफिकेशन के लिए वीडियो कॉल आती है. और डोंट वरी, वीडियो कॉल इतनी मुश्किल होती नहीं है. Thank you for waiting. I appreciate your patience. Would like to inform you that I have verified the documents and information you had submitted here, and I have identified an issue here, sir. The thing is, the picture of the passport that you have submitted, it's of the first page only, right? Yes. And if you could, locate the signature on your passport, it is either on the 22nd page or the 23rd page, sir. Right, right. This is what I'm talking about. Please have it by your side, sir. Yeah, please keep it down, sir. Yeah. What I am trying to inform you is, I will need a picture of your passport that includes this picture that you have submitted of the front pages of the passport and the signature page as well. Okay, sir. It's So, wanted to ask if you will be able to combine these two pages in a single document, in a single PDF, and then you could upload it on the seller account right now. करने की कोई जरूरत नहीं है. इजी सी वीडियो कॉल होती है. वेरिफिकेशन कहते हैं, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अगर उनको कोई क्लियर नहीं हो रहा, तो वो आपसे कहते हैं कि हमें ये वाला डॉक्यूमेंट क्लियर करके सेंड कर दें कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो सके. पॉइंट क्लियर. तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है कि बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए आपने जो कंपनी अपनी यूके में सेटअप कर ली है, उस कंपनी का पूरा एड्रेस, जो रजिस्टर्ड एड्रेस आप लोगों ने परचेस किया हुआ है, तो वो आप लोगों ने उनको प्रोवाइड करना होता है. उसके बाद अगर आपने ये वीडियो, कंपनी कैसे फॉर्मेशन करते हैं वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो प्लीज ऊपर आपको लिंक शो हो रहा होगा, जाएं वीडियो देखें. और अगर हमारी हेल्प लेना चाहते हैं कि आप के लिए हम कंपनी फॉर्मेशन आपको करके दें, तो वो भी अवेलेबल है सर्विस हमारी वेबसाइट पे mikaguru.com पे. सेकंड स्टेप यह है कि सेलर वेरिफिकेशन, आपकी अपनी जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करने के लिए वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं. तो इजी सा क्वेश्चन है, उसमें आपने जो एड्रेस है, जो अपनी सिटीजनशिप है, वो आपको पाकिस्तान की ही देनी पड़ती है. उसके बाद थर्ड स्टेप है बिलिंग का. बिलिंग में आपने अपना कार्ड या अपना बैंक अकाउंट जो है वो उसको लिंक करना होता है आपके पेमेंट रिसीव करने के लिए अमेजोन को. और चौथा जो स्टेप होता है वो स्टोर का होता है. उसके बाद आपको वीडियो वेरिफिकेशन के लिए टाइम लेना पड़ता है. टाइम लेके आपको वेरीफाई करना पड़ता है. वेरिफिकेशन के बाद आपका जो मेल आती है वो सक्सेसफुली वेरीफाई होती है. तो कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं, तो देखते हैं कि स्क्रीनशॉट्स जो महमूद अहमद साहब ने हमसे शेयर किए हैं वो कैसे हैं. तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, प्लीज बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें. और अगर हमारे YouTube फैमिली मेंबर है तो थैंक यू वेरी मच. जी हाँ, तो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में पहुंच चुके हैं. यहाँ पे अब गूगल में जाएंगे, क्रोम में, वहाँ पे लिखे amazon.co.uk, ये यूके के लिए. और आप अपने VPS स्क्रीन से, VPS से लिखें, सब कुछ VPS से अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करें, ये बहुत ज़रूरी है, इस बात को पल्ले बांध लें. उसके बाद amazon.co.uk पे वेबसाइट पे जाएं, नीचे फुटर में चले जाएं, नीचे आ जाए. उसके बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा मेक मनी विद अ सेल ऑन Amazon. सेल ऑन Amazon पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे, sale.amazon.co.uk, amazon.co.uk. उसके बाद आपने यहाँ पे साइन अप करना है, क्योंकि यहाँ पे आप फ्री पैकेज तो हम ले नहीं सकते, जो सिर्फ यूके में रहने वाले हैं वो सिर्फ फ्री यूज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए इश्यूज़ ज़्यादा क्रिएट नहीं होते. अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करेंगे. साइनअप पे क्लिक करने के बाद आप अपनी ईमेल वेरिफिकेशन और अपना जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई करेंगे. रेकमेंड ये है कि आप अपने लिए न्यू एक ईमेल
क्रिएट करें और उसके बाद आप जो अपना मोबाइल नंबर है वो यूके का यूज़ करें, वाईकी से या फिजिकल सिम अगर आपके पास है तो वो यूज़ करें। उसके बाद आप इको मैं स्क्रीनशॉट्स पे डायरेक्ट लेके जाने वाला हूँ कि स्क्रीनशॉट्स में आपसे क्या क्या पूछे। अब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, ओटीपी मैसेजेस आपको आएंगे आपके मोबाइल नंबर पे, ईमेल पे, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या अमेजोन की जो वेरिफिकेशन है उसके ऊपर ले जाएगा। तो उसमें कुछ आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने लगूँ स्क्रीनशॉट्स उन पे। पहली स्क्रीनशॉट ये है कि आप देखें यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि अमेजोन सेलर अकाउंट में बिजनेस इन्फॉर्मेशन, वो बिजनेस इन्फॉर्मेशन जो आपने अपनी कंपनी जो फॉर्मेशन कर रखी है, अगर आपके लिए किसी और ने कर रखी है तो उनसे अपनी पूरी डिटेल ले लें और फिर यहाँ पे इंटर करें। यहाँ पे पूरी वेरिफिकेशन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस जो आप परचेज करते हैं, उसके बाद ये आपसे रिसीव पिन थ्रू आप एसएमएस या कॉल से अपनी जो एसएमएस है उनको ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन, इतनी दो मिनट में ये सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद सेलर इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, नेक्स्ट विंडो पे सेलर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको देखें महमूद अहमद जिनका मैंने जिक्र किया है, जिनके रेफरेंस से वीडियो क्रिएट हो रही है, तो उन्होंने देखे अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या शो किया है, यूनाइटेड किंगडम शो किया है, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है वो उन्होंने पाकिस्तान कंट्री ऑफ बर्थ, क्योंकि आप बीपीएस यूज करें और अमेजोन को चाहिए कि बंदा जो है वो फिजिकल तौर पे यूके में मौजूद हो, इसलिए हमें कंट्री ऑफ रेजिडेंस यूके ही देना पड़ेगा और इसलिए आपको वीपीएस या वीपीएन की बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आपने वीपीएस परचेस करना है तो walter.com का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देने वाला हूँ, सुपर फास्ट है और वो आपसे चार्ज जो है वो सेकेंड्स के हिसाब से करते हैं, अगर आपके सेकेंड्स बनते जाएंगे तो उनके पैसे भी बनते जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ, उसके बाद आपकी एक्सपायरेशन डेट, आपके पासपोर्ट की कंट्री ऑफ इशू और उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर आपने रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो आपने यूके का लिखना है, आपने जो डायरेक्टर एड्रेस परचेज कर रखा होगा उस एड्रेस को, पॉइंट को गौर से समझिएगा, आपने जो एड्रेस लिखना है यहाँ पे रेजिडेंटल एड्रेस उसे आपने यूके का लिखना है। अगर आप ये खुद अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये बातें समझनी जरूरी हैं। उसके बाद बिजनेस नेम यूज ऑफ रजिस्टर विद योर स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ पे आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और ऊपर कंपनी नाम लिखना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे और ऊपर नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, वेरिफिकेशन यूजिंग वीडियो कॉल। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपको गवर्नमेंट की जो आपका पासपोर्ट है वो देना पड़ेगा और बैंक अकाउंट जो स्टेटमेंट है वो आपकी आप ट्रांसफरवाइज की या रेवोलेट की बैंक स्टेटमेंट देंगे, जिसके ऊपर आपका जो एड्रेस है ना वो बिल्कुल सेम मैच कर रहा हो आपके डायरेक्टर या रजिस्टर्ड एड्रेस के साथ। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ पे आपसे स्टोर का नाम आप उन्होंने पूछा, स्टोर का नाम आप रैंडमली कोई भी अपना नाम रख सकते हैं और उसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो वीडियो कॉल के लिए वेरिफिकेशन है उसको करना है, वेरिफिकेशन यूजिंग वीडियो कॉल, आप डेट सेलेक्ट करेंगे, टाइम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसी टाइम पे ऊपर आप उनसे बात करेंगे। यहाँ पे देखें थैंक यू वेरी मच, फिर वीडियो कॉल की वेरिफिकेशन यहाँ पे उन्होंने वेरिफिकेशन कराई, फिर ज्वाइन वीडियो कॉल, आप यहाँ से जो वीडियो कॉल है उसे ज्वाइन करेंगे और उसके बाद वेरिफिकेशन जो है, वाइल वी वेरीफाई योर क्रेडिट कार्ड यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द सेलर सेंट्रल, आपको सेलर सेंटर तक जाने के लिए आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो चेक करेंगे, यूज़ करेंगे और उसमें पैसे होना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद यहाँ पे देखें ये उन्होंने वीडियो कॉल हमसे शेयर की थी, तो ये यहाँ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे थे, उनकी तो कैप्चर नहीं कर सके लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ इशू आ गया था तो वो उन्होंने रिसॉल्व करने के लिए, तो यही होता है कि वो आपसे सिर्फ वेरीफाई करवाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, आपसे बात करते हैं, आपसे पूछते हैं और उसके बाद इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो वेरीफिकेशन के लिए कोई डरने वाली बात नहीं है, ईजी सा होता है, जो आपने इंफॉर्मेशन सबमिट की होती है उसी के ऊपर वो क्वेश्चन करते हैं और कोई बहुत बड़े क्वेश्चन पूछ नहीं सकते वो, तो ये इसमें कोई डरने वाली बात, अगर कोई इशू हो तो वो इस इशू को रिसॉल्व करने के लिए कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए इसलिए वो आपसे वीडियो वेरिफिकेशन करते हैं और कुछ उनका वो नहीं है।
तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी कि और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने जो लिंक है उसको ग्रुप में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जो अमेज़ॉन पे काम करना चाह रहे हैं उनके साथ ये डिटेल्स, ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।